हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। आज का जो घर है 200 गज का फ्लोर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यार इंडिपेंडेंट घर तो हमने बहुत देखे हैं, 200 गज के फ्लोर भी मिलते हैं यार। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए। तो S+4 का कंसेप्ट है, 18 फ्लोर है टोटल, ठीक है। तो आप टावर्स यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको टावर्स ही दिखा दूँ, बिकॉज यार पता क्या होता है, कंस्ट्रक्शन नहीं दिखाते कई वीडियो जो होते हैं, बट हम दिखाएंगे कंस्ट्रक्शन। यार छुपाना क्या, देखिए 2-3 महीने में आपको इसका पोजेशन मिलने वाला। देखिए स्ट्रक्चर रेडी है, फुल स्विंग पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्लाइंट्स एंड ऑल की भीड़ लगी हुई है, बिकॉज ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर यार ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। बहुत इक्का दुक्का ऑप्शन ही मुझे लगता है बचे हैं। थर्ड और फोर्थ फ्लोर अवेलेबल है, बट उसका अपना ही एक एडवांटेज आपको मिलता है, बिकॉज रूफ राइट्स आपको मिल जाते हैं। सो थर्ड और फोर्थ फ्लोर का प्राइस भी कम होता है ना, और ऊपर से रूफ राइट्स भी आपको मिलता है, तो ये एक एडवांटेज है आपके लिए। तो आज का फ्लोर है 3 BHK का स्पेशियस सा, ठीक है, जिसमें आपको मिलती है स्पेस के साथ साथ बहुत ही ज्यादा प्यारी इंटीरियर डिजाइनिंग, ठीक है। और यहाँ पर 3 BHK लिफ्ट भी है, ठीक है, और पार्किंग के लिए बहुत अच्छी स्पेस है। सबसे पहले मैं हम फ्लोर की तो बात करेंगे ऑफ कोर्स। तो लोकेशन क्या है, शिवालिक एवेन्यू है, सनी इनक्लेव के जॉइन है, सेक्टर 125 मोहाली ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर टोटली रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है, जहां पर आपको आपकी जरूरत की शॉप्स होगी, ग्रोसरी शॉप्स होगी, स्कूल्स होगे, पार्क्स होगे, बच्चों के लिए मंदिर गुरुद्वारा, हर तरह की फैसिलिटीज आपको आपके अपने ही एरिया में मिल रहे, कहीं दूर जाने की आपको जरूरत ही नहीं है ना। तो बाकी सनी इनक्लेव के साथ है, ज्वाइन है ट्राई सिटी से, मुझे लगता है चंडीगढ़ मोहाली हार्डली आपको 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे पड़ जाएगा। सो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी फैसिलिटीज भी आपको सारी ही आपके एरिया में मिलती है ना। सो चलिए पार्किंग की भी बात करते हैं कि रोड्स तो बनी ही हुई है, यहाँ पर लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया है। सो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 200 गज का फ्लोर है हमारा, जो कवर्ड एरिया है, जहां पर आपको 3 BHK स्पेशियस अकोमोडेशन मिलती है। इसके अलावा देखिए यहाँ से स्पेस शुरू होती है वहां तक, जहां तक आपका जो कवर्ड एरिया शुरू होता है, जो स्पेस है ना गाइज, आने वाले अभी 2-3 महीनों में ये पेवर्स डल जाएंगे, यहाँ पर कॉन्क्रीट के पेवर्स होंगे। तो जहां पर आप खुद ही अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी कार आप यहाँ पे पार्क करना चाहते हैं, तो कीजिए यार, आप ही की स्पेस होगी। पार्किंग हम आपको बहुत अच्छी दे रहे हैं, सो पार्किंग ही पार्किंग है। तो बहुत प्यारा मजा आपको इस फ्लोर में आने वाला है, बिकॉज 200 गज का फ्लोर आप खुद ही अंदाजा लगाइए यार, ठीक है। 100 गज के 150 गज के तो हमने बहुत देखे, सारी पार्किंग आपको स्पेस मिले जो कि रिजर्व्ड होगी आपके लिए, बिकॉज ऑब्वियसली 18 फ्लोर्स हैं गाइस, तो ईच फ्लोर के लिए आपको रिजर्व्ड पार्किंग हम देंगे बहुत अच्छे कॉन्क्रीट के पेवर्स के साथ, सिक्योर, ठीक है। तो ये देखिए बिल्डिंग आपने यहाँ पर देखी, तो यहीं पर ही आज का हमारा सैंपल फ्लैट है जो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से एंट्रेंस शुरू होती है, ठीक है, यहाँ पर मोटर एंड ऑल प्रोविजन हमने किए हुए हैं, ठीक है। तो ये एंट्रेंस है आपके, जहाँ पर टाइल वर्क एंड ऑल हमने अच्छा खासा आपके लिए किया है, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेप्स आएंगे, मैं अभी अंदर जाके दिखाती हूँ आपको, चलिए अंदर चलते हैं। तो देखिए मैं एंट्रेंस पे खड़ी हूँ आपके फ्लोर की, यहाँ पर देखिए लिफ्ट आएगी आपकी, क्योंकि आप यहाँ पे स्पेस देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी लिफ्ट आपको बहुत अच्छी वाली ऑटोमेटिक वाली मिलेगी यहाँ पर, और ये स्टेयर्स भी आपके लिए, ठीक है। सो दो ऑप्शन आपके लिए, सो आप जैसे भी इसको चूज कर सकें। ये एंट्रेंस है आपकी, और एंट्रेंस भी काफी वाइड है, और जो वुड है ये फ्रेम वुड यूज किया है यहाँ पर, ऊपर से डिजाइन भी बहुत ही ज्यादा प्यारा सा डिजाइन भी आपको मिल रहा है, और साथ में ही गोदरेज ब्रांड का डिजिटल लॉक भी आपको मिल रहा है, तो सेफ्टी बहुत अच्छी है। ऊपर से ये पता क्या रेयर ऑप्शन है, 200 गज का फ्लोर मुझे नहीं लगता कहीं किसी ने देखा होगा अब तक, ये घर तो हमने देखी। तो देखिये ड्रॉइंग रूम कितना स्पेशियस है, 6 सीटर सोफा तो हमने आपके लिए ऑलरेडी लगाया है, ऊपर से यहाँ पर भी स्पेस आप खुद ही देखिए, वहां पर भी एडिशनल स्पेस है, तो आप 15 सीटर सोफा आराम से लगाइए और फिर भी स्पेस ही स्पेस आप एंजॉय करेंगे। ऊपर से रूफ वर्क देखिए, कोव लाइट्स के साथ, LED लाइट्स के साथ, बड़ा ही प्यारा सा रूफ वर्क आपको आपके ड्राइंग रूम में मिल रहा है। बड़ी विंडो इस साइड आपको मिल रही है, पूरी वेंटिलेशन एंड डे लाइट आपको मिलेगी, ठीक है। और ये जो वॉल है यहाँ पर देखिए, POP के साथ एक वॉल पेपर है, ये पैनलिंग कितनी प्यारी हुई पड़ी है, ये एज इट इज आपके लिए, तो ड्राइंग रूम कितना खुला डुला आपको मिल रहा है। और इसके साथ ही ये आपका है डाइनिंग एरिया दोस्तों, देखिए 6 सीटर डाइनिंग एरिया हमने आपके लिए ऑलरेडी लगाया है, तो आप भी लगा सकते हो। ये जो वॉल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एज इट इज आपकी रहने वाली है, ठीक है। क्यों, बिकॉज वास्तु के अकॉर्डिंग ना माना जाता है, जो डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग एरिया आपका, उसके साथ मिरर हो तो वास्तु कंप्लाइंट होता है, तो ये चीज आपकी एज इट इज रहने वाली है। तो एक और चीज आप कर सकते हैं, देखिए ये पार्टीशन करने के लिए आपका लिविंग एरिया है, आपका डाइनिंग एरिया, यहाँ पर आप आजकल बड़ी प्यारी प्यारी वुडन की
पार्टीशंस आपको मार्केट में अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर बड़ी ही प्यारी से वुडन की पार्टीशन कीजिए, तो बड़ा ही प्यारा एक रॉयल से आपको लुक मिलने वाली है। तो इसके साथ ही देखिए किचन यहाँ पर आपकी शुरू होती है, ठीक है। किचन में भी अगर मैं बात करूँ पर अशरफ लाइट्स का बड़ा ही प्यारा सा वर्क आपको मिल रहा है, एडिशनल लाइट मिल जाती है डिजाइनिंग के साथ साथ, एलईडी लाइट्स तो हमने लगाई ही है। किचन देखिए एल शेप में किचन है, ठीक है, यहाँ पर फुल्ली मॉड्यूलर किचन आपको मिलती है। देखिए आपकी स्टोरेज के लिए हमें बड़े बड़े यूनिट्स आपको यहाँ पर दी हैं, है ना, और यहाँ पर देखिए लाइट्स एंड ऑल नीचे लगाए हैं, तो दैट जो किचन की ब्यूटी है ना वो बहुत ही मजेदार हो जाए, है ना, जब आप यहाँ पे काम कर रहे हो। काउंटर टॉप भी काफी वाइड है, पाइपलाइन ऑल सारी फिटिंग हुई पड़ी है, चिमनी देखिए सन फ्लेम ब्रांड की मिल रही है, यहाँ पर है आपका वॉशिंग एरिया, तो जो फिटिंग्स है किचन में वो है आपकी जॉनसन ब्रांड की फिटिंग आपको मिल रही है, विंडो भी मिल रही है आपको, है ना, तो ये किचन भी देखिए बहुत स्पेशियस है। इसके साथ साथ अभी ये वॉल हमने देखी थी, यहाँ पर है हमारा मास्टर बेडरूम। सबसे पहले मैं आपको वही दिखाऊंगी, आइए तो स्पेस देखिए मास्टर बेडरूम के ऊपर से एक डिजाइनिंग बड़ी प्यारी सी है, रूफ पे डिजाइनिंग है, यहाँ पर देखिए ये वॉल वर्क बड़ा ही प्यारा पीओपी के साथ वॉल पेपर देखिए कितना प्यारा, एक बड़ी क्लासी सी वाइब आ रही है आपके मास्टर बेडरूम पे। तो आपका बेडरूम होगा ये, देखिए किंग साइज बेड लगाया, फिर भी स्पेस देखिए कितनी, आफ्टर ऑल यार 200 गज का घर है, स्पेस ही मिलेगी आपको। और एलईडी पैनल भी देखिए बड़ा ही डिजाइन हमने बड़े अच्छे से किया, प्यार से डिजाइन किया, एक थीम रखा है पूरे बेडरूम का ना आपका, तो दैट आप डिजाइन बड़े ही आराम से कर सके, जो भी आप लगाना चाहते हैं बड़े आराम से आप लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ड्रेसिंग एरिया आपका आएगा, लुकिंग मिरर बहुत ही फुल लेंथ रूफ तक हमने दिया है, एंड लुक एट द ड्रॉर्स, देखिए बड़े ही प्यारे से ड्रॉर्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं और वाइड है सेम टाइम, ठीक है। साथ में एडजॉइन वॉशरूम आपको मिलता है, आप देखिए स्पेस देखिए वॉशरूम की, बड़ी ही प्यारी सी एंटीस्किड का फ्लोर पे वर्क आपको मिल रहा है, वॉल पे टाइल वर्क है, जो बड़ी टाइल्स हमने डुअल टोन में आपके लिए लगाई हैं, तो जो काफी अच्छी एक रॉयल सी लुक देती है वॉशरूम में भी, ठीक है। सैनिटरी वेयर सारा ब्रांड का, सैनिटरी वेयर ब्रांडेड है, तो बहुत अच्छा वॉशरूम है ये, मास्टर बेडरूम का मास्टर वॉशरूम आपका। और एक और चीज देखिए कबर्ड्स यहाँ पर हमने क्या किया, वॉल के अंदर ही फिट की है आपकी कबर, तो जो स्पेस है उसका जो मजा है ना वो दुगना हो जाए आपका। तो इस साइड विंडो है आपकी, यहाँ पे डोर है जहाँ पे उसको आप अपने जो यूटिलिटी स्पेस है ना उसको बड़े आराम से एक्सेस कर सकते हैं। आइए यूटिलिटी स्पेस देख के ना बड़ा मजा आएगा आपको यार, गमाडा वाला फीलिंग आएगी आपको, ठीक है। देखिए ये है यूटिलिटी स्पेस आपका, ये पूरा यूटिलिटी स्पेस है आपका, तो यहाँ पर देखिए ओपन रखा है, बच्चे खेल सकते हैं, ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन में बड़े ही प्यार से आप अपने काम भी कर सकते हैं। तो सारा ये आपका यहाँ से देखिए यहाँ से पार्टीशन होगी ईच फ्लोर की, ये जो आप देख रहे हैं ये पार्टीशन होगी, ये सारा आप ही का है। देखो क्या मजेदार ये आपका यूटिलिटी स्पेस यहाँ पर आया है। चलिए सेकंड बेडरूम दिखाती हूँ आपको, आइए, वो भी बहुत ही प्यार से डिजाइन किया है आपके लिए। तो ऐसे घरों में ना यार दिल लग जाता है, क्योंकि बड़े प्यारे से फ्लोर होते हैं, ठीक है। इस साइड है आपका, आइए सेकंड बेडरूम किचन के साथ ही हमने दिया है, आइए मैं दिखाती हूँ आपको। तो यार स्पेस तो बहुत ही अच्छी है बेडरूम की यार, ठीक है, किंग साइज बेड लगा है तो बड़ी स्पेस अच्छी है, फ्लोर पे भी बड़ा, रूफ पे देखिए बड़ा प्यारा सा वर्क है स्ट्रिप लाइट्स का एंड पीओपी का, एंड यहाँ पर देखिए आपका एलईडी पैनल है, और एलईडी पैनल एक तो देखिए रूफ तक हमने दिया, ऊपर से ये जो डिजाइनिंग है ना आपकी, जब आप विजिट करेंगे यहाँ पे आपको पता लगेगा बड़ी ही डिफरेंट डिजाइन यहाँ पर आपको मिल रही है, बड़ा ही प्यारा सा नीचे स्टोरेज भी आती है ना। और कबर्ड अगेन देखिए वॉल में फिटेड हमने किया, और लाइट्स एंड ऑल पूरे ही कबर्ड में हमने आपको दी है देखिए, और डबल लैमिनेटेड कबर्ड है, बड़ा ही मजा आपको यहाँ पे स्टोरेज का आने वाला है, ठीक है। और यहाँ से देखिए विंडो भी आपको दी है, एंड ये डोर है आपका, आपको बैक यार्ड एक्सेस कर सकते हैं इस डोर से, दोनों ही बेडरूम से आप एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर है आपका अटैच वॉशरूम डोर, ये बेडरूम से आप एक्सेस कर सकते हैं, ये आपका कॉमन भी है गाइस, ये पाउडर रूम भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज़ इसके ड्यूअल एंट्रेंस है, तो बेडरूम से इस वॉशरूम को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा सा स्पेस के साथ साथ फिटिंग्स एंड ऑल आपको मिल रही है, ठीक है। तो बेडरूम से बाहर आएंगे तो दिस इज द डोर गाइस, तो इस डोर से आप आपके सेम वॉशरूम को आप एक्सेस कर सकते हैं, तो पाउडर एरिया भी आपका सेम टाइम में बन जाता है, तो गेस्ट एंड ऑल के लिए बड़ा इजी हो जाता है, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती है ना। तो देखिए ये आप देख रहे होंगे थर्ड बेडरूम है घर का, ये तो थर्ड बेडरूम में बहुत अच्छी स्पेस है, और डिजाइनिंग देखिए ये पैनलिंग हुई पड़ी है आपके लिए, रूफ पे वर्क हमने दिया है, ठीक है, लाइट्स और स्टेप लाइट्स के साथ, एंड यहाँ पे यूनिट है आपके लिए स्टोरेज के लिए यूनिट है,
इसके ऊपर आप अपना एलईडी भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पीछे देखिए आप कबर्ड्स अपने, सो कबर्ड्स हमने पूरे ही तीनों ही बेडरूम्स में ना यार आपको वॉल फिटेड दिए हैं, बट जो स्पेस है ना और ज्यादा अच्छी निकल के आए है ना, कंजेस्टेड कहीं से भी ना लगे। तो यहाँ पे एक तो विंडो आपको मिल रही है, ठीक है, एक तो ग्लास विंडो है, ये मैश विंडो भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डोर भी है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं आप, देखिए बालकनी है, टाइल वर्क एंड ऑल, एंड रेलिंग की है, फेंसिंग की हुई है, और यहाँ पे हमने आपको गेट भी दिया है यार, देखिए कितना कन्वीनियंट है। दो एंट्रेंस होगी आपकी, एक तो मेन एंट्रेंस है आपकी, एक यहाँ से एंट्रेंस होगी। और आप इमेजिन कीजिए, देखिए यहाँ पे पेवर्स डल जाने हैं, जब आना भी 2-3 महीनों में यहाँ पे पेवर्स डल जाएंगे, तो आपकी पार्किंग यहाँ पे आपकी गाड़ियां लगी हुई हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं एंजॉय कर रहे हैं, बाहर व्यू, ग्रीनरी भी काफी लश ग्रीन एरिया है ना, ग्रीनरी है, तो बड़ा ही प्यारा सा एक ऑप्शन है आपके लिए। तो ये ऑफिस स्पेस भी आप बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए गेट है यहाँ पे, है ना, सो कोई भी बुटीक आप खोल सकते हैं इस रूम में, तो एंट्रेंस बिल्कुल ही सेपरेट है। कोई ऑफिस इस रूम में आप बनाना चाहें अब वो भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी ऑप्शन है आपके लिए, है ना। ये प्यारा सा घर 200 गज का 3 BHK विद लिफ्ट, और इतनी अच्छी स्पेस और प्यारा सा इंटीरियर आप खुद ही देख सकते हैं, क्योंकि तो वास्तु कंप्लाइंट है। कैसा लगा ये रूफ राइट्स के साथ आपको, ये फ्लोर्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, फैसिलिटी सारी मिल रही है इस एरिया में। ट्राई सिटी से 10-15 मिनट के दूरी पे आपको ड्राइव मिल रही है। तो ऐसे एरिया में घर लेना ना एक फायदे की चीज होती है, एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी आप ले सकते हैं, फैमिली के साथ रहना चाहते हैं उससे भी आप ले सकते हैं, तो बड़ा ही कन्वीनियंट सा होता है। तो ये भी ऑप्शन आपके लिए आज की वीडियो में, कैसी लगी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना अब तक, मुझे पता है, तो प्लीज कर लीजिए यार, वीडियो बहुत अच्छी अच्छी हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके बजट में, ठीक है। तो देखिए कितना यूनिक सा फ्लोर हम आपके लिए लेकर आए, इसी फ्लोर इस तरह के ऑप्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी मुझे इजाजत दीजिए गाइस, मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर योरसेल्फ, सी यू सून, बाय बाय।